भारत जोड़ो यात्रा अब पूरी तरह विवादों की यात्रा बन चुकी है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवाद सामने आ जाता है। केरल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा का यही हाल है। अब ताजा मामले में भारत जोड़ो यात्रा में पैसे देकर सेलिब्रिटी बुलाने के आरोप लगे हैं। हाल ही में कई फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियां यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ उनका हाथ पकड़ते हुए यात्रा में चलती हुई दिखाई दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से इसे प्रचारित करते हुए ये दिखाया कि कांग्रेस को आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी साथ मिल रहा है। लेकिन बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यह आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पैसे लेकर आ रहे हैं। नीतीश राणा ने एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया और मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा मैनेज है। ये इस बात का प्रमाण है कि अभिनेताओं को उनके साथ आने और चलने के लिए कैसे भुगतान किया जाता है। सब गोलमाल है भाई, ये पप्पू कभी पास नहीं होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई नए और पुराने फिल्मी कलाकार दिखे। गुजरे जमाने के बड़े अभिनेता अमोल पालेकर से लेकर मशहूर अभिनेत्री रिया सेन, पूजा भट्ट, रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी तक राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई हैं। लेकिन राणे के इस दावे के बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर यात्रा को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सबूत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी यात्रा को बदनाम करना चाहती है। सबूत के तौर पर ऐसी फर्जी इमेजेस शेयर कर रही हैं। इस मैसेज का ना तो कोई नाम है और ना ही नंबर। सेलिब्रिटीज का सपोर्ट लेने में तो बीजेपी आगे है ही। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों पर मशहूर हस्तियों के ट्वीट्स याद है ना। हर कोई जानता है कि बीजेपी हमेशा से विभाजनकारी और निरंकुश रही है। वह बस कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है। यही नहीं, कांग्रेस के बाद पूजा भट्ट ने भी बीजेपी नेता पर पलटवार किया। उन्होंने मशहूर लेखिका हार्पर ली के एक कोट को अपने ट्वीट में रखते हुए लिखा, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं। अपनी राय के लिए पूरे सम्मान के साथ हक रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं, तो उससे पहले मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है तो वह है व्यक्ति का विवेक। पूजा भट्ट ने इशारों ही इशारों में बीजेपी नेता नीतीश राणा को जवाब देने की कोशिश की। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा से विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी सावरकर तो कभी मेधा पाटकर को लेकर विवाद, तो कभी पैसों के सहारे भीड़ बढ़ाने को लेकर आरोप। इस यात्रा से जुड़े विवादों की लिस्ट बेहद लंबी है।